हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है हनी ड्यू की पोएम द डक एंड द कैंगरू करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी ही अच्छी एक पोएम है। इसमें फ्रेंडशिप कैसे है, दोनों एक दूसरे के लिए निभाते हैं, तो उसके बारे में है। सो लेट्स हैव इट्स इंट्रो। द टू फ्रेंड्स द डक एंड द कैंगरू आर अबाउट टू सेट आउट ऑन द लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। तो दो फ्रेंड्स हैं, डक है और कैंगरू है, और दोनों जो हैं वो फ्रेंड्स हैं और एक बहुत ही लंबी ट्रिप का मज़ा लेते हैं। द कैंगरू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल इज़ वेरी ऑफ हर वेट फीट। तो कैंगरू जो है वो काफ़ी खुश है कि अपने फ्रेंड को वो अपनी पूंछ पर बिठाकर जो है उसको ट्रिप पर लेके जा रहा है, लेकिन थोड़ा टेंशन में था क्योंकि उसके पैर गीले थे। What will the duck do to make the kangaroo feel comfortable over land and sea? तो इसके लिए डक ने फिर क्या किया कैंगरू को जो है वो कंफर्टेबल फील कराने के लिए, चाहे वो लैंड में हो चाहे सी में हो। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट। तो चलो देखते हैं कि कैसे जो है वो अपने ट्रिप को जो है वो सक्सेसफुल करते हैं। तो ये देखो डक उसकी टेल पर जो है वो बैठा हुआ है ना कैंगरू की। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। सेट द डक टू द कैंगरू गुड ग्रेसियस हाउ यू हो। तो डक जो है वो कैंगरू से कहता है हे भगवान तुम कैसे हो, मतलब जंप करता हुआ चलता है ना कैंगरू, तो कितने तुम जंप करते हुए चलते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, कहते चाहे खेतों में जा रहे हो चाहे पानी में जा रहे हो, बड़े ही आराम से तुम वो नाचते हुए जंप करते हुए चले जाते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज़ बोर इन दिस नेस्टी पोंड, नेस्टी मतलब गंदा सा। तो कहते मेरी तो लाइफ बोर हो चुकी है इस गंदे से पोंड में रहकर। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पोंड के बाहर की दुनिया जो है वो जाकर घूमूँ। I wish I could hope like you. मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह काश जंप करके इधर से उधर भाग सकता। Said the duck to the kangaroo. तो ये सारी बातें कैंगरू से कह रहा है डक। Please give me a ride on your back. Please मुझे अपने बैक पर बिठा कर, पीठ पर बिठा कर एक सवारी दे दो। Said the duck to the kangaroo. तो कैंगरू से डक कहता है I would sit quite still and say nothing but quack. तो मैं चुपचाप बिना हिले डुले बैठूंगा और कुछ नहीं कहूंगा, बस क्वैक क्वैक ऐसे करते ना, तो कहता वो मैं करूंगा। सो उसके बाद द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, तो कहते पूरी जर्नी में पूरे दिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हारी पीठ पर चुपचाप जो है वो बैठा रहूंगा। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जैली बूली, तो कहते हम पूरा वर्ल्ड जो है वो घूमेंगे, खुशी खुशी प्लेजर ट्रिप हमारा जो है वो होगा। मतलब ये जगह का एक तरह से नाम है कि हम वहाँ भी जाएंगे, उस फील्ड्स में जाएंगे, की वाटर बॉडीज़ में घूमेंगे, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, के लैंड में जाएंगे सी में जाएंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डू सेंड डक टू द कैंगरू, तो कहते प्लीज़ मुझे एक राइड दे दो प्लीज़। तो डक जो है वो कैंगरू से कहता है। तो अब कैंगरू क्या कहता है सुनो। सेट द कैंगरू टू द डक, तो कहता है दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, कहते इसके लिए थोड़ी सी ज़रूरत है, रिफ्लेक्शन है क्या है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद तुम्हें मैं सैर करवाकर मेरे लिए चाहे अच्छा लक आए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, ऐसा लगता है लेकिन एक ऑब्जेक्शन है मुझे कि तुम्हें शायद मैं घुमा सकूं, लेकिन मेरे लिए एक ऑब्जेक्शन है विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक टू सो बोल्ड, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो जो है बिना बेहिचक जो है वो ऑब्जेक्शन जो है वो बता सकता हूँ। योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, तो तुम्हारे जो पैर हैं बहुत ही ज़्यादा गीले हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिज, रूमैटिज जो है वो गठिया सुना हुआ है ना, वो जिसमें जॉइंट्स में दर्द होता है
ज़्यादा ठंड में गीले में अगर रहेंगे ना, तो कहते हैं कि वो तुम्हारे पैर इतने ठंडे हैं और इतने गीले हैं कि अगर तुम मेरी पीठ पर ऐसे गीले और ठंडे पैरों के साथ बैठोगे तो फिर क्या होगा, मुझे रूमेटिज हो सकता है, गठिया हो सकता है। सेट द कैंगरू, तो कैंगरू डक से कहता है। फिर अब डक क्या कहता है, सेट द डक, एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। तो कहते जब मैं रॉक्स के ऊपर बैठा था ना, तो मैंने पूरा बड़े अच्छे से इस बारे में सोचा था। एंड आई बॉट 4 pairs ऑफ वर्स्टेड सॉक्स विच फिट माई वेब फीट नीटली। और इसलिए तब मैंने सोचा, सोचने के बाद मैं 4 pair जो है वर्स्टेड सॉक्स, मतलब वुलन की सॉक्स जो है वो मैं लेकर आया हूँ, जो मेरे वेब फीट पर बड़े अच्छे से फिट बैठते हैं। वेब फीट मतलब देखिए ना, पंजे उनके कैसे होते हैं, पूरा एक जाला सा बना होता है जिससे वो इजीली पानी में डक्स जो है वो तैर सकती है। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक। क्लॉक मतलब कि एक तरह चादर, कि एक लंबा सा चोगा जो होता है ना, कुर्ता सा, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें ठंड से बचाने के लिए, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए मैंने लंबा सा चोला जो है वो सिलवा लिया है, ले लिया है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, कहते हैं अपने आप को ठंडा रखने, गर्म रखने के लिए मैं रोज़ एक सिगार जो है वो पिया करूँगा। ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू। तो सारा मुझे मुझे अपने फ्रेंड कैंगरू से बहुत प्यार है, तो मैं सब कुछ फॉलो करूँगा बड़े अच्छे से। सो सेट द कैंगरू, तो फिर अब ये सुनकर कैंगरू कहता है आई एम रेडी, कहते मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी। तो कहते मून लाइट में, चाहे होती है ना लाइट से अंधेरा होता है तो मून लाइट होती है, तब तब तुम जो है मुझे बैलेंस करने के लिए बिल्कुल भी मत हिलना, सिट स्टडी मतलब बिना हिले डुले बैठे रहना ताकि मेरा बैलेंस जो है वो बना रहे। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और बिल्कुल मेरे पूंछ के एंड तक बैठना जाकर। सो वे दे वेंट विद अ हॉप एंड बाउंड, और फिर इस तरह से वो दोनों जंप करते हुए इधर से उधर भागते हुए घूमते हैं। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 times round, और इस तरह से वो पूरी दुनिया का 3 चक्कर लगाते हैं। एंड हु सो हैप्पी ओ हु हैज़ द डक एंड द कैंगरू। तो फिर वो बोलता है कि कौन है ज़्यादा खुश होगा, डक खुश होगा ज़्यादा घूमकर कि कैंगरू अपनी फ्रेंडशिप निभा कर ज़्यादा खुश होगा। तो आई थिंक दोनों खुश होंगे, एक फ्रेंडशिप निभा रहा है और डक जो है वो घूम रहा है और अपनी फ्रेंडशिप भी निभा रहा है, कि अपने आप फ्रेंड को ठंड से भी बचा कर रख रहा है और बिना हिले डुले उसके पूंछ पर कोने में बैठा हुआ है। ओके, सो इस तरह से हमारा ये पोइम जो है द डक एंड द कैंगरू ख़त्म होती है ना। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद आर नेक्स्ट चैप्टर इन आर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। Bye-bye.